तौसीफ साहब, आप ठेकेदारों की आज यहाँ एक ऑर्डिनरी मीटिंग हुई जम्मू में। परसों कंट्रैक्टर एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, वहाँ हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बराबर सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने जनमिन डिमांड्स जो है उनको रेज किया है। मसला हमारा ये है कि आप हमें डिपार्टमेंट बोलता है कि आपकी जो बिलिंग होगी ऑनलाइन होगी, हमें ऑनलाइन पर कोई एतराज़ नहीं है, ऑनलाइन बिलिंग अगर वो करना चाहते हैं, लेकिन इनकी साइट हमेशा बंद रहती है, इनके पास स्टाफ नहीं है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लिहाजा जिससे ठेकेदारों को बड़ी परेशानी हो रही है। ठेकेदार अपना पैसा लगाते हैं, काम करते हैं, डेवलपमेंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपने घर का पैसा लगाते हैं, लेकिन जब पैसा लेने की बारी आती है ठेकेदारों की तो उस वक्त ये बोलते हैं कि अब ऑनलाइन नहीं चल रहा है, अब साइट बंद है, अब ये प्रॉब्लम है, ले दे के ठेकेदार परेशान है। तो लिहाजा हम ऑनलाइन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम सरकार से गुजारिश करते हैं, एलजी सरकार से गुजारिश करते हैं, अगर आपने ऑनलाइन ये करना है पहले तो इनकी जो पीडब्ल्यूडी की जो साइट जो है हमेशा बंद रहती है, वो साइट चलती नहीं है, और दूसरा है कि इनके पास स्टाफ नहीं है। आपको मैं छोटी मिसाल दूंगा, यहाँ किश्तवाड़ डिवीज़न की, यहाँ एक जेई इन्होंने रखा है जो ऑनलाइन बिल करता है, वो एक जेई अपने बिल करेगा या दूसरे ठेकेदारों की बिल करेगा या दूसरे जेई के बिल चढ़ाएगा ऑनलाइन, वो भी परेशान है। लिहाजा ले दे के जो है, जो जम्मू वालों ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के सरकार से मुतालबा किया, जिस जो मुतालबा उन्होंने किया कि ऑनलाइन के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इनके पास इक्विपमेंट की कमी है, इनके पास स्टाफ की कमी है, जिस वजह से ठेकेदारों को परेशानी हो रही है, और हम चाहते हैं कि हमारी जो अलाटमेंट है उसको भी ये ऑनलाइन करें अलाटमेंट को। लिहाजा इनके पास स्टाफ नहीं है, इनकी साइड बंद रहती है, सरकार से हमारी गुजारिश है कि वो इन चीज़ों को पहले दुरुस्त करें, ठेकेदारों को परेशानी में ना डालें। ठेकेदार अपना पैसा लगा के काम डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन पेमेंट लेने की जब बारी आती है आप बोलते हैं साइट बंद है, ऑनलाइन नहीं हो रहा है, तो वो जिम्मेवारी हमारी नहीं है, ठेकेदार लोग जो है परेशान है। शागिर साहब, अगर बात करें ऑनलाइन की, अगर हमारे बाकी डिविजन्स की बात करें, जैसे मड़वा डिवीजन की बात करें, अभी भी वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, वहाँ पर तो फोन नहीं चलता है, तो नेटवर्क की तो जमीन दूर बात है, वहाँ पर किस तरीके से ये बिलिंग करेंगे, ये तो कैसे करेंगे? ये तो आपने हमारे दिल की बात वहाँ आपने बोली, आपने अच्छा सवाल किया। ये तो मड़वा के लोग, हम लोग भी बार बार इनसे बोलते हैं कि वहाँ ये सिस्टम नहीं चल रहा है, वहाँ फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन किश्तवाड़ के लोग परेशान है, जम्मू के लोग परेशान है, तो मड़वा दचन वोड़वन ये जो फार फलंग एरियाज हमारे हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कैसे ऑनलाइन होगा ये सारा बिलिंग, इस चीज़ से लोगों को परेशानी है। लिहाजा हमारी एलजी इंसामिया से गुजारिश है कि वो इस चीज़ की तरफ देखें, और जम्मू वालों ने जो जम्मू कंट्रैक्टर एसोसिएशन ने जो इश्यूज उठाए हैं, हम उन इश्यूज़ के साथ हैं, हम उनकी बराबर सपोर्ट करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं कि ये जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उन पर उनको वो एड्रेस करें, उनको हल करें। शागिर साहब, हर बात धरना प्रदर्शन करके ही इस वक्त की सरकारों को मनवाना पड़ रहा है, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या मरकजी सरकार की बात करें, इस वक्त कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्या बताएं? ये धरना प्रदर्शन तो बहुत कम हो रहे हैं, जब से ये एलजी सरकार बनी है तब से तो लोग धरना लगाते नहीं, ये किसी को अलाउ करते हैं धरना लगाने के लिए। आज अफसरशाही का दौरा है, करप्शन इतनी ज़्यादा है, अफसर लूट रहे हैं लोगों को, नीचे वाला स्टाफ लूट रहा है लोगों को, लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। तो इस सिलसिले में मैं आपको ये कहूँगा कि इसके लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, अगर सरकार इलेक्शन कराए और चुने हुए नुमाइंदे आ जाएं, वो जाके लोगों की बातों को आगे ले सकते हैं और लोगों की जो परेशानी है उनको वही हल कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।